यमदास जी, मेरी दोस्त लीला बहुत बीमार है। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज उसे ये दर्द भरी जिंदगी से आजाद करो, वो भी यही चाहती है। उसे इंटरनेट यूज करना नहीं आता, इसीलिए मैं आपको उसकी तरफ से ये मेल भेज रही हूँ। आपकी स्वीटी। प्लीज उसे ये दर्द भरी जिंदगी से आजाद करो, वो भी यही चाहती है। यमदास, अंदर आइए अंकल। लगता है आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन डालकर कांटेक्ट करने की कोशिश की है। यू नो इट्स इलीगल। तो क्या आप थोड़ी ना कोई लीगल काम कर रहे हैं? मैं लीला को लाऊं? आप मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दोगे? आप बैठ के सोचिए, तब तक मैं लीला को लाती हूँ। ये लीला है। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो काम पे गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। और आप स्कूल क्यों नहीं गए? आज छुट्टी थी। आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? बेटा, मैं सिर्फ जिंदा लोगों को मारता हूँ। आपको भी लगता है कि लीला एक खिलौना है? वो मुझसे बात करती है, वो जिंदा है। जाएंगे तो मैं पुलिस को आपके बारे में खबर करूंगी। She's dead. ये क्या है? Please kill me, मैं लीला के बिना नहीं जी सकती। Now this is too much. क्या हुआ? तुम जरा सी बच्ची हो और बड़ों जैसी बातें कर रही हो। सिर्फ बड़ों को ही मरने का हक है। Shut up! You are unprofessional. मेरे को सिर्फ लीला को मारने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने आप को मारने से डरूंगी नहीं। ट्रिगर दबाने की हिम्मत है? है। एक खींच कर झापड़ पड़ेगा ना तो सब उस ठिकाने आ जाएंगे। खिलौनों के साथ खेलते खेलते दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। कैसे कैसे फालतू के रिक्वेस्ट आने लगे हैं। Isha? Yes? You brought your thesis? Yes. What's it about? It's about suicide in India and Yamdas. Hmm.
भाई साहब, इधर आइए। कौन से कमरे में जाना है? 8th floor पे। बैग दिखाइए, काम क्या है? उसका कंप्यूटर खराब हो गया है, ठीक करने आया हूँ। अच्छा, दर्शन? यस। हाय, आई एम यमदास। मैं बहुत दिनों से आप ही का इंतजार कर रहा था। या तुम्हारी मेल के हिसाब से मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, राइट? हाँ। तो शुरू कहां से करें? एक फिल्म देखते हैं। फिल्म? Меня зовут Жарыч, Юрыч. Апко чай, кофе ленге? It's okay. Скажи, no formalities. Я фильм кон си баша ме? Russian. Пар хам я фильм кью дек рахе? Я мери фаворит фильм е. Сейчас в город, тогда в Харьков. Где ты учишься? Excuse me, мне мере समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। Please इसे इसे बंद कर दो, please. आप यहाँ नाखून काटने के बारे में भी सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन मैं चाय लेके आता हूँ। रिलैक्स सर, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, रिलैक्स। सर आप भाड़ा कब देगा? हाँ? पिछले 5 महीने से तूने भाड़ा नहीं दिया है। और मेरी वाइफ से क्या कहता है? डिपॉजिट से एडजस्ट कर लो। अरे भैया, डिपॉजिट भी खत्म हो गया, अब क्या करेगा? सर, अरे बात सुन पूरी, इस महीने के आखिरी तक टाइम देता हूं तुझे, डिपॉजिट और रेंट भर दो। और अगर नहीं भर सकते तो सामान वामान पैक करो और इस घर को खाली कर दो यार। सर वो मैं गैस बंद करके आता हूँ। गैस बंद करके आता हूं मैं।
डिपॉजिट और रेंट भर दो, कहां से भरूंगा मैं यार। सर सर आप वहां कहां जा रहे हैं सर, आइए ना यहां बैठिए। अरे ये पौधे सूख रहे हैं, पानी वानी तो डाला करो। सर यहाँ इंसानों का हाल इतना बुरा है, पौधों की देखभाल मैं कैसे करूं सर। तो क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस है ना वो क्या, क्या? हाँ गारमेंट्स, गारमेंट्स का बिजनेस है ना। 3 महीने से थोड़ा बुरा चल रहा है, वर्करों की स्ट्राइक, रिसेशन। देखो भाई बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। जी वो तो है। एनीवे बेस्ट ऑफ लक। यस सर। हेलो, हाँ 1 लाख। हाँ भैया आ रहा हूँ, आ रहा हूँ 15 मिनट में वहां पे। अरे बोला ना 15 मिनट में आ रहा हूँ, तुम वेट करो वहां पे। अच्छा दर्शन। जी सर। भैया मैं अभी चलता हूँ सर, लेकिन याद रखना सर किराए के बारे में मत भूलना। बिल्कुल सर, सच्ची। भाई मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकता ना रेंट के साथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसे थोड़ी चलते हैं। ठीक है चलता हूँ। देखा मेरे पास भाड़े देने तक का पैसा नहीं है, तू मुझे मार ही डालो। ओके ओके गिव मी अ ब्रीफ अबाउट दिस। सर दुनिया जितनी ज्यादा डेवलप करती जा रही है सुसाइडल रेट उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुसाइड करने वालों की संख्या में सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं, सेकेंड नंबर पे हाउसवाइफ्स और थर्ड नंबर पे किसान लोग आते हैं। टीनेज सुसाइड करने वालों की संख्या में इंडिया दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। पिछले 50 सालों में सुसाइडल रेट 60% से इंक्रीज हुआ है। और फेल सुसाइड अटेम्प्ट्स तो इससे भी कहीं ज्यादा है। ऑलमोस्ट 10 to 20 million पीपल अटेम्प्ट सुसाइड एवरी ईयर। मैं काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ से धक्का दे देता हूँ और थोड़ी देर में मिशन कंप्लीट। कुछ दिनों तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, यहाँ से गिरा तो 1 सेकंड में सबको पता चल जाएगा। मैं कम से कम 1 हफ्ते तक चैन से डेड बॉडी बन के रहना चाहता हूँ। नो डिस्टर्बेंसेस, जस्ट निर्वाण। ओके देन, कुछ और अल्टरनेटिव के बारे में सोचता हूँ। तू मुझे जला क्यों नहीं देते, मेरे पास किचन में केरोसिन भी है। उससे लोगों को पता नहीं चलेगा। कैसे? धुआं उठेगा, तुम चीखोगे चिल्लाओगे। डोंट बी ए फूल। डोंट कॉल मी ए फूल। आई एम सॉरी। आई सेड डोंट कॉल मी ए फूल। आई सेड आई एम सॉरी। आई रियली डिडंट मीन इट। आई एम सॉरी। मुझे फांसी भी तो दे सकते हो तुम। फांसी बहुत आउटडेटेड स्टाइल है, इनफैक्ट कोई स्टाइल ही नहीं है। कुछ आज का होना चाहिए, समथिंग इनोवेटिव, यू नो 2013 का ऐसा कुछ। जैसे कि आई रिमेम्बर मैंने एक आदमी को मारा था कठफोवड़ा से, यू नो बर्ड वुड पैकर। आई डिजाइन दैट मैन लाइक ए ट्री, पेंटेड हिम लाइक ए ट्री। वुड पैकर केम just started tick 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 into his mind, into his eyes. It was so beautiful. It was breathless. I enjoyed it. I mean it was an innovation. Nahi nahi mujhe lagta hai phansi sahi rahegi. Saddam Hussein, Bhagat Singh, how exciting. Ha yaar phansi sahi rahegi bhai. Phansi to phansi sahi. Rassi hai nahi।
कर्टेन यूज कर सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, गले में भी सॉफ्ट रहेगा। अच्छा मुझे याद आया, मेरे पास बेडरूम में भी रस्सी है कपड़े सुखाने के लिए, मैं वो ले आता हूँ। अरे कर्टेन विल बी फाइन। रस्सी ले आता हूँ ना, एक मिनट, मजा आएगा। मजा आएगा? मरना कहाँ पे? यहाँ पे किचन में, बेडरूम में या बालकनी में? इधर ही ठीक रहेगा। कोई दरवाजा खोले तो उसकी फट के हाथ में जानी चाहिए। स्टूल मिलेगा? हाँ। यस। हेलो सर, माय नेम इज शीतल। मेरे पास टाइम नहीं है। सर, मुझे आपके कीमती समय में से सिर्फ 2 मिनट चाहिए, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 2 मिनट आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। इट्स अ फ्री डेमोंस्ट्रेशन सर, एंड आई अश्योर यू, यू विल बी रिलैक्स्ड। ठीक है, अंदर आइए। सर आप अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स्ड ही हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं आपके। ओ। लगता है आप जिम करते हैं। नहीं, नेचुरली है। हाउ डू यू फील सर? ग्रेट, वेरी गुड। सर हमारे सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। अच्छा। इससे स्ट्रेस भी रिलीफ होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। सर आपके तो बाल सफेद हो रहे हैं। लगता है आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है। क्या मैं आपको हेड मसाज ट्राई करूं? श्योर। एक मिनट। टर्की साला बोलता है जिंदगी से परेशान है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारा मसाजर यूज करने से आपके बालों का झड़ना, पकना और डैंड्रफ आना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा। क्या आपको पता है इसकी क्या कीमत है? गेस कीजिए। 3000। सर आपने ज्यादा बोल दिया। आप अगर इसकी असली कीमत सुनेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। 1999 only। सचमुच काफी सस्ता है। हाँ, तो बताइए आप कैश में पेमेंट करेंगे या चेक देंगे? अरे पर मैंने तुम्हें बताया था मुझे कुछ नहीं खरीदना। कोई बात नहीं है सर, अगर अभी आपके पास कैश नहीं है तो आप ऑर्डर स्लिप भर दीजिए और जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको ये डिलीवर कर दूंगी। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी से डायरेक्ट ही मंगा लूंगा। नहीं सर, सर उससे मेरा क्या फायदा होगा? अगर ये प्रोडक्ट आप मुझसे खरीदेंगे तो मुझे इसमें कमीशन मिलेगी। अच्छा अपना नंबर दे दीजिए मुझे। जी 9867621824। मैं आपको मेरा कार्ड दे देती हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू शीतल। थैंक यू।
ओके सर। मुझे लगता नहीं है तुम ये मरने के बारे में कुछ सीरियस हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी छोटी छोटी खुशियां अच्छी होती हैं। इंसान आराम से मर सकता है। अब नो टाइम पास, वो स्टूल पास करो इधर। 10 मिनट थोड़ा आराम से बैठते हैं। लड़की ने थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स कर दिया है। सिर्फ 10 मिनट ही है। ओके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय सेटिस्फेक्शन। इसके बारे में रिसर्च करते करते मुझे सुसाइडल रिलेटेड वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स के बारे में भी पता चला। इन्हें ज्वाइन करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि लोग खुल के सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। एक्सीडेंटली मुझे एक कैरेक्टर के बारे में भी पता चला, यमदास। यू मीन यमराज? नो, यमदास। असली नाम क्या है पता नहीं, पर लोग उसे यमदास के नाम से जानते हैं। तुम ये सब क्यों करते हो? क्या सब? यही, लोगों को मारना, वो भी मुफ्त में। बड़ी लंबी कहानी है। 10 मिनट तो हम ब्रेक ले ही रहे हैं। उस टाइम के अंदर सुना सकते हो तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक है, वही पुरानी कहानी है, एक लड़की और एक लड़के के प्यार की। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे करती थी, लेकिन एक दिन अचानक एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा ऐसा हो गया कि उसने फिर मुझसे मिलना बंद कर दिया, मेरे फोन उठाना बंद कर दिया, मैसेजेस का जवाब तक नहीं दिया। वो चली गई इतनी आसानी से। उसके बाद मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, काम भी छोड़ दिया और हर वक्त उसकी याद में रहने लगा। मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की पर उसकी यादों से निकल नहीं पाया। उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नाकाम रहा। उसको भूलने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया लेकिन भूल ना पाया। मैं हर उस जगह जाने लगा जहां हम दोनों जाया करते थे, इसी उम्मीद में कि शायद किसी मोड़ पे वो मुझे मिल जाए। अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। सिगरेट और शराब मेरे दोस्त बन गए। एक दिन मुझे पता चला कि हमारे झगड़े के बाद उसने अपनी जान ले ली थी। मुझे नहीं पता था कि प्यार कभी किसी की जान भी ले सकता है। जीने की तमन्ना भी जाती रही, जीता भी तो किसके लिए। इंटरनेट से मुझे सुसाइड करने के अलग अलग तरीके पता चले। पूरी हिम्मत करके मैंने
रस्सी अपने गले में डाली। लेकिन मौत को सामने देखकर सही में मेरी फट गई। मेरे हाथ पर सुन हो गए। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। न जीने की चाहत थी और न मरने का दम। किसी ऐसे को ढूंढने लगा जो मुझे मारने में मेरी मदद कर सके। लेकिन जो भी मिला वो पैसे मांगता था, जो मैं देना नहीं चाह रहा था। मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो खुदकुशी करना चाहते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती होगी। वो भी यही चाहते होंगे कि कोई आकर उन्हें मारे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बेसहारों का मसीहा बनकर इनकी मदद करूंगा और उस मसीहा का नया नाम भी रखा। हाय, आई एम यमदास। मैंने yamdas.com नाम की एक वेबसाइट स्टार्ट की जिस पर लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे। शुरू में बहुत बकवास बकवास मेल, जैसे एग्जाम में फेल हो गया, कुत्ता मर गया, बॉस ने गाली दिया। किसी का मरने का कोई वैलिड रीजन था ही नहीं। बाद में पिकअप हुआ और आज मैं आपके सामने हूं। तुम्हारा पहला क्लाइंट कौन था? अरे यार टाइम जा रहा है, सुबह से जिस काम के लिए आया हूं वो अभी तक हुआ नहीं है। तुम अपना एसआर बस इस रस्सी में डालो, 5 मिनट लगेंगे और गेम ओवर। लेट्स डू इट, स्टैंड अप। लेकिन मुझे पहले ये कहानी सुननी है, उसके बाद चढ़ता हूं ना। डू यू ड्रिंक? ड्रिंक? नो फॉर्मेलिटीज भाई, मैं अभी लेके आया। सुनो दर्शन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे सुनो, मैं इंटरेस्टिंग। लेकिन ये यमदास काम कैसे करता है? ऐसा सही में है या तुमने क्रिएट किया है? सर आपके लैपटॉप में इंटरनेट है? हाँ है। क्या मैं उसे 1 मिनट यूज कर सकती हूँ? सर जिन्हें सुसाइड या डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसके बारे में रिसर्च भी करते होंगे। और जिस तरह से मैं सिर्फ हेल्प और सुसाइड टाइप करके यमदास की वेबसाइट तक पहुंची हूं, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे। वैसे तो इसमें यहां कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि वो लोगों को सुसाइड करने में उनकी हेल्प करता है। सिर्फ थिंकिंग अबाउट सुसाइड, कॉन्टैक्ट मी yamdas@yamdas.com। ओ, तो वो लोगों को मारता है, वो सिर्फ तुम्हारा अजम्पशन है। यस, और मैं जानती हूँ कि मेरा अजम्पशन बिल्कुल सही है। सॉरी, वी डोंट वर्क ऑन अजम्पशंस। तुम्हें कुछ प्रूफ लाना होगा, तभी हम तुम्हारा ये आर्टिकल छाप सकते हैं। सॉरी। फॉर योर लॉन्ग लाइफ।
अब सुनो, तुम्हारा पहला क्लाइंट? ठीक है, लेकिन इसके बाद नो मोर कहानी था। डैनियल, ही वॉज ए रेपिस्ट, ए चाइल्ड रेपिस्ट। उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने उसे बेकसूर करार दिया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लोगों ने नहीं माना, वो उसे बलात्कारी दरिंदा समझते थे। समाज का ये व्यवहार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो चाह रहा था कि मैं उसे पब्लिक के सामने मार डालूं, ताकि पब्लिक को तसल्ली और न्याय मिले, क्योंकि वो बलात्कार उसी ने किया था। ये रिक्वेस्ट मुझे चैलेंजिंग लगा और ऐसा भी लगने लगा कि मुझे बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। डैनियल को मारने के लिए पहले मुझे ये जानना था कि वो कहां कहां जाता है और कहां पब्लिक सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसको भीड़ में मरना था। आप क्या लेंगे? क्या देगा बे तू? तू होता का ना मुझे कुछ देने वाला, और तेरे पास है क्या जो तू मुझे कुछ देगा? समोसा, वड़ा पाव, दाल वड़ा। एक वड़ा पाव दे। डैनियल का सही प्रॉब्लम था उसका वह। उसको लग रहा था कि सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसे एक अपराधी समझते हैं जिसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जबकि कोई उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। We'll be right back.
हीरो, टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं। अबे घर ही पहना है, बता ना। अबे चल नहीं रही है। अबे चल तो रही है। अबे तो फिर देख लेना। तो दिखा ना पास से। अबे हट। अबे साले क्या पागल है क्या? एक घड़ी है, एक मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता? अबे इतना गर्मी का है को बे? टाइम तो पूछा खाली तरह से। अबे चोंदड़िया, साले समझ में नहीं आ रहा कि टाइम बताने का मूड नहीं है? अबे तेरी मूड की ऐसी तैसी। अबे साला हीरो क्या बोल दिया, सीरियस हो गया बे। साला ये अपना है, ये अपना Daniel, hi, I'm Yamdas. मेरा पहला मिशन सक्सेस हो गया। मेरी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था वो। मुझे लगा उस रेपिस्ट को मार के मैंने भगवान का काम किया, लेकिन बाद में पता चला कि डैनियल ने कोई रेप नहीं किया और कोर्ट ने सही फैसला किया। लोगों के एक्विजिशन के कारण उसका दिमाग खराब हो गया था। नो प्रॉब्लम, उसको मरना ही था। उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, हर किसी को अपने अपने तरीके से मरना था। एक आदमी को स्विमिंग करते हुए मरना था, एक आदमी को शॉक मार के मरना था, एक आदमी का रिक्वेस्ट आया कि उसको मैं लड़की के भेष में जाके मारूं, और कोई एक औरत थी वो चाहती थी कि उसको रेप करके मारूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट। अगर आपका आपका रिक्वेस्ट था कि मैं आपका दोस्त बन के आपको मारूं, आप सेटिस्फाइड तो हो ना? और शायद 10 मिनट से ज्यादा हो गया। चलो। अरे ये
हेलो जी सर, जी सर, हाँ सर, मैं अभी कैश ही ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं कल सुबह आ जाता हूँ सर पैसे लेके आपके घर 11 बजे। राइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। मार ही डालो मुझे। ओके। चल अब चढ़। अरे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो, प्यार से बात करो यार, नौकर समझ के रखा है क्या मुझे? ओके सॉरी, आइए भैया चढ़िए। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ। ओह शिट, गलत आदमी से पूछ लिया। बोलो। एक ड्रिंक तो पिला दो यार। ठीक है, लेकिन ऐसे ही खड़े रहना, उतरना मत। ये लो। चीयर्स। पिकल। सबसे ज्यादा किसको मार के आपको मजा आया है? अरे यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हंस क्यों रहे हो? कहाँ हंस रहा हूँ? हंस तो रहे हो, क्यों हंस रहे हो? जिसको मारा है उसके बारे में सोच के हंस रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ। अच्छा उसके बारे में बताओ फिर लटकूंगा। अरे तुम नहीं, पहले बताओ फिर लटकते हैं। कोई बात ऐसी है ही नहीं। तो अब तुम्हें कहानी सुन के ही लटकूंगा। अरे अरे नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने भी आज तक वैसे किसी के साथ इतनी बात नहीं की है। थैंक्स। इमोशनल। उसका नाम शिल्पा था, वो शिल्पा शेट्टी की बहुत बड़ी फैन भी थी और उसके जैसी ही बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ सोने के सिवा और कोई काम नहीं मिला। एक चांस के लिए वो तरसती रही और एक वैश्य की तरह जीवन बिताने लगी। उसको अपने जीवन से ही शर्म आने लगी और मुझे कांटेक्ट किया, लेकिन उसकी एक अलग ही रिक्वेस्ट थी। उसको शिल्पा शेट्टी की एक फिल्म की तरह एक्टिंग करके मरना था और वो ये भी चाहती थी कि मैं उस फिल्म के हीरो का रोल निभाऊं। सॉरी शिल्पा। यस। हाय, आई एम यमदास। ओह थैंक्स फॉर कमिंग। क्या देख रहे हो? नहीं, सोच रहा हूँ कि वो बेवकूफ ही होगा जिसने तुम्हें अपनी फिल्म में चांस नहीं दिया। तुम इतनी खूबसूरत हो और फॉरगेट इट, स्टार्ट करें। हाँ कहाँ से शुरू करें? ऑडिशन। ऑडिशन किसका? सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं ये रेस हार क्यों गया? क्योंकि तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये सब इक्की मिक्की चिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की चिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे टूटते हुए देख सकता था। इसलिए तो मैंने कहा था कि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। कैसा था? नॉट बैड, बाकी सीन्स करते हैं। यस श्योर,
आई डू इट। अरे बाप रे, यहां से तो लोग बिल्कुल चीटियां जैसे लग रहे हैं। अजय, कितनी अजीब है ना हमारी शादी, ना बारात ना बाराती। सुनो एक बात तो बताओ। क्या? वो कौन सा तोहफा है जो शादी के बाद पति अपनी पत्नी को पहली बार देता है? क्या भूल गए ना? मैं जानती थी, मैं लाई हूँ। देखो तो इसमें क्या है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, जानती हो सीमा, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दूं। ऐसे हटो हटो हटो। हाँ, ये ऐसे। ओ बापरे बापरे बापरे, मुझे वर्टिगो है, मुझे ऊंचाई से देख डर लगता है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। जब तुमने मेरा हाथ थाम लिया तो फिर डर किस बात का? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर दूर ले जा रहा हूँ। शादी के बाद हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़ के एक नई दुनिया बसानी पड़ती है। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूं। कट कट कट, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे गिराया क्यों नहीं? सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एक बार और करते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था? एक चांस और दीजिए। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपनी पुरानी बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। मुझसे शादी करोगी? कट, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बोलना। शिल्पा, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। मैं तुम्हें एक और नई जिंदगी दे सकता हूँ। ड्रॉप द आइडिया ऑफ मरने वरने का आइडिया ड्रॉप कर दो। ऐसा कई बार होता है कि एक्टिंग करते करते हीरो को हीरोइन के साथ प्यार हो जाता है। तुम सच में अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे नीचे गिरा दो। और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। एक फोटो खिंचवाओगी मेरे साथ प्लीज? 5 मेगापिक्सल कैमरा है मेरे पास, बहुत क्लैरिटी है। कंटिन्यू करूं? और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूं। एक बात बताओ, इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आई एम ए परफेक्शनिस्ट, इसलिए कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। और जिसको मारने जाता हूं उसको मारता ही हूं, क्योंकि अगर वो बच गया तो बाहर जाके वो मेरे बारे में किसी को भी बता देगा। वैसे भी पुलिस मर्डर के पीछे मोटिव ढूंढती है, और मोटिव ढूंढने जाएंगे तो उसके दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो, एक अजनबी को नहीं। और मेरे मर्डर का तरीका हर बार नया और अलग होता है, इसलिए वहां भी कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपना फोन नंबर और आईपी एड्रेस कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता हूं, इसलिए। ए, फिर बातों में फंसा दिया? चलो उठो, अभी बहुत हो गया, लेट्स गेट अप। मैं जरा टॉयलेट हुआ हूं। जल्दी आना।
ये कार्ड किसका है? ये वो मसाज वाली। वही नाम, वही फोन नंबर, वही ईमेल आईडी। इस लड़की ने मुझे बहुत बार मेल किया। इसने अपने पति का कत्ल कर दिया। Now she wants to die. लेकिन उसको किसी क्लाइंट के घर में मरना है। मैंने बोला मरना है तो मरो, किसी को प्रॉब्लम में फंसा कर क्यों मरना है? अगर मुझे पता होता कि ये मसाज वाली लड़की और वो सुसाइड वाली लड़की दोनों एक ही हैं, तो पहले उसको मारता और फिर तुमको मारता। एक दिन में दो रिक्वेस्ट क्लियर हो जाती। छह। अगर तुम कहो तो मैं भी उसको बुला सकता हूँ। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी का मर्डर करूं। प्लीज प्लीज। उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो आ जाएगा। एक मिनट हाँ, होल्ड कर। हेलो, हाँ जी, शीतल बोल रही हूँ। हाँ सर, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। 402। हाँ हाँ, याद आ गया सर जी। मैं बस 20-25 मिनट में पहुँच जाती हूँ। ओके सर, सी यू। हाँ बोल। नहीं, वो क्लाइंट का कॉल था। तो कैसे मारोगे उसे, गला दबा के कि रेप करके? रेप करने का तो मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसा करता हूँ, गला ही दबाता हूँ। पक्का? मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे? आई एम रेडी, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। सोच के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। yeah! क्या हुआ, कौन था? माई ब्यूटिफुल वाइफ। क्या हुआ, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई क्या अपनी बीवी की शक्ल देख के? अच्छा सुनो, वो अभी सेल्स गर्ल आएगी तो वो जो सब कहा था वो करोगे ना? या आई एम रेडी, आई एम रेडी। गुड टू गो। आइए, अंदर आइए शीतल जी। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप अंदर आएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे शीतल जी। हाँ? मैं समझ गई सर कि आपको क्या चाहिए, पर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम कैसी लड़की हो? अगर मुझे छूना भी चाहते हो तो उसके पैसे अलग से लगेंगे। कमाल करती हो तुम, यहाँ मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम छूने की बात करती हो। शीतल, हाय, आई एम यमदास। आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। एंजॉय। लीव मी, लीव मी। स्टॉप। कमान कमान दर्शन, कमान। छोड़ो। छोड़ना मत उसे, यहाँ से छूटने नहीं चाहिए दर्शन। बहुत बढ़िया। यस, प्रेस इट हार्ड, दबाओ। नहीं दर्शन, डोंट लीव हर। रिमी। गुड गुड। हाँ मैडम, अपने आप को छुड़ा सको तो छुड़ा लो। दर्शन उसे छोड़ना मत। शीतल कोशिश करो छूटने की। दर्शन दर्शन, प्रेस इट हार्ड, दर्शन और हार्ड। छोड़ना मत इसे, जिंदा नहीं बचनी चाहिए ये। दर्शन दर्शन,
मरी गया दर्शन 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 नहीं दर्शन दर्शन क्या हुआ डोंट वरी अभी आ जाएगा यमदास मुझे छोड़ दो आज मुझे छोड़ दो मैं चाहिए तो कल आती हूँ मुझे मत मारो मुझे जाने दो या तुम मेरी रिक्वेस्ट ही कैंसिल कर दो ये रिक्वेस्ट भेजने से पहले सोचना चाहिए था यमदास उसे प्लीज छोड़ दो मैं किसी को यहाँ मारना नहीं चाहता ना मरता देखना चाहता हूँ बस इसे छोड़ दो सॉरी तुम जाओ ए मजाक हो रहा है यहाँ पे सुबह से तुझे मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है इसे मारने के लिए बुलाया तो तुम वो नहीं कर पाए टाइम पास हो रहा है क्या इसको नहीं मरना है अरे मैं बताता हूँ अब तुझे किसी को कैसे मारते हैं हाँ छोड़ो छोड़ो यमदास 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 उसे छोड़ दे क्या दादा टॉयलेट में भी नहीं बैठने देंगे क्या सॉरी सर वो आपके यहाँ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी इसलिए मैं यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी वो सिर्फ मैंने ही नहीं सुना सर वो आपके बाजू वाले विशाल जी ने भेजा मुझे यहाँ पर ओ, हो सकता है कि ये टीवी में देख रहा था उसका वॉल्यूम ऊंचा रहा हो सर वो फिल्म का वॉल्यूम थोड़ा कम करके देख जी दादा ओ सर 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 वो एक लड़की आई थी नहीं तो वो लेकिन आप ही का फ्लैट नंबर पूछ रही थी मुझसे तो सुबह एक सेल्स गर्ल जरूर आई थी अभी कोई नहीं आया सॉरी सर लेकिन सर तुम्हें मिलने के लिए कितने लोग आए गया ए, चल 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 जल्दी आ अब मेरे पास और टाइम नहीं है तुझे ऊपर लटकाने का ऐसा कर तू नीचे जमीन पर लेट मैं तेरे गले में रस्सी डालूंगा और पांच मिनट में यमदास अरे कुछ मत बोल यार अब मुझे मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ सुबह से सारा टाइम बर्बाद हो चुका है तब मेरी मती मारी गई थी अब मेरे कुछ नए ख्याल आए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई बैठे कुछ बातें करें मैं तू लेटता है कि नहीं साले लेट मेरी बात तो सुनो क्या है दादा सॉरी सर लेकिन वो लड़की वापस नहीं गई अभी तक हेलो
ईशा। हाय। यहाँ क्या कर रही हो? ऑटो का इंतजार कर रही हो? जी वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। अच्छा, मैं छोड़ दूँ? थैंक यू। अच्छा वो क्या हुआ, तुम नौकरी ढूंढ रही थी ना, कुछ हुआ? जी ट्राई तो कर रही हूँ, बाकी देखते हैं। मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड से मिल के आया, क्या है ना कि अब रेंट तो लेना ही है, तुम उसके साथ क्यों नहीं रहती? Actually, my dad is not well, so I have to take care of him as well. हाँ ये तो है, but you should stay with your husband. क्या है तुम्हारे पिता की देखभाल तो कोई भी कर सकता है, घर में और बहुत लोग होंगे। क्या है ना कि अभी दर्शन अकेला है, डिप्रेशन में है बेचारा, अब रेंट मांगने गया तो और डिप्रेस्ड हो गया। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है ना, है कि नहीं? Anyway, आपकी जिंदगी है, जो ठीक लगे करो। See you, bye. Bye. मैडम बात तो सुनिए मेरी। अरे वो लड़की, वो सेल्स गर्ल आपके कमरे में गई और अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान, तेरे डिंग डोंग की माँ की साले, हट हट। सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी होगा। अबे गला खोल तूने साले। तुम अभी यहाँ मत आओ, तुम जाओ। क्या हुआ, मुझे अंदर तो आने दो। तुम यहाँ से जाओ। कुछ तो प्रॉब्लम है, हम बैठ के बात कर सकते हैं, अंदर तो आने दो। तुम मेरी सिचुएशन कभी समझती ही नहीं हो, तुम जाओ। दर्शन, मैं अपने भाई से बात करके कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सकती हूँ। अच्छा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बात तुम्हें अब समझ में आ रही है, जब मेरी इतनी लग चुकी है। तुम 10 मिनट के बाद आओ। तुम बस मुझे अंदर आने दो। अबे ये कौन है दर्शन, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? हाय, आई एम यमदास। व्हाट? ईशा मेरी बात सुनो। ईशा प्लीज मेरी बात सुनो। But हो क्या रहा है? मैं सब समझाता हूँ। Listen to me, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ऐसे कुछ Why is there? मैं सब बताता हूँ। Hello sir. क्या है? Sir, आपने कभी ऐसे जगह देखा है? ऐसे जगह की बारे में सपना देखा है? आप प्लीज पॉइंट पे आ जाएंगे? पॉइंट है कि परमेश्वर आ रहा है। परमेश्वर की माँ की दर्शन, कम से कम अब तो बता दो यहाँ चल क्या रहा है। तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी यार।
या तो तुम्हें पहले आना चाहिए था या कम से कम मेरे फोन्स का जवाब देना चाहिए था। तुम जानती हो ना मैं कितने लोगों से कर्जा ले चुका हूं। मैं ना तो घर पे रह सकता था ना बाहर जा सकता था। मेरे में खुद को मारने की भी हिम्मत नहीं थी तो मैंने इसको बुला लिया। दर्शन, ये सब करने से पहले कम से कम एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। तुम अभी भी मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो। मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना? मेरे पास काम भी नहीं था, तुम भी नहीं थी। कम से कम तुम होती तो मैं सब कुछ संभाल सकता था ना। लगता है अंदर लाश का फोन बज रहा है। लाश? जाके जरा बंद कराना। अपना मुंह बंद कर लो जाकर के। ओके, यू जस्ट रिलैक्स, कैरी ऑन, मैं बंद करके आता हूं। ठीक तो ईशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने किसी को नहीं मारा है। हम लोग थोड़ी ड्रिंक्स पी रहे थे और थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। व्हाट्स द प्लान? व्हाट? हाँ, मैं इनकी मदद करने आया हूँ ना। मदद? मुझे सब मालूम है तुम कैसे मदद करते हो लोगों की। मदद ही करनी होती तुम्हें तो उन्हें मारते नहीं थे तुम। क्या मैंने दर्शन को मारा? और वो डैनियल? क्या हो बे? ओए! उठाओ 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 इसको उठाओ। मर गया क्या? डैनियल, आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सब लोग तुमसे नफरत नहीं करते, नहीं तो तुम्हारी मदद के लिए वो आगे नहीं आते। वो शिल्पा और इन खूबसूरत कदमों से चलकर लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूं। क्या हुआ? एक सेकंड के लिए मौत सामने देखकर जीने की तमन्ना जाग गई ना? तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम्हें टैलेंट है। सिर्फ 2 साल और दो इस इंडस्ट्री को एंड आई एम श्योर यू विल गेट द वर्क। और कभी ये बेवकूफी भरा ख्याल दोबारा मत आने देना अपने दिमाग में। मारना है? मैंने किसी को नहीं मारा है। शीतल, कम शीतल, दर्शन, अब मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। ये एक प्लान था। तुम जिंदगी में बहुत स्ट्रेस थे, तुम्हें रिलैक्सेशन की जरूरत थी। You'll be relaxed. कैसा लग रहा है सर? लड़की ने थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स कर दिया है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हें मौत में नजर आ रहा था। तुम मुझे मार ही डालो मुझे। तुम मौत को बहुत लाइटली ले रहे थे। मुझे फांसी भी तो दे सकते हो तुम। हाउ एक्साइटिंग! दरवाजा खोले तो उसकी फट के हाथ में आ जानी चाहिए। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी का मर्डर करूं। तो एक्साइटमेंट हो रहा है। और मैं तुम्हें मौत का खौफ दिखाकर जिंदगी की इम्पोर्टेंस बताना चाहता था। आप अंदर आएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे शीतल जी।
अरे मैं बताता हूँ अब तुझे किसी को कैसे मारते हैं। छोड़ो। हट। दास। तब मेरी मति मारी गई थी। मैं किसी को यहाँ मारना नहीं चाहता ना मरता देखना चाहता हूँ। And I think I succeeded in it. मैं चलता हूँ। अब शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय लेट्स गो। हाँ सर में अभी भी दर्द हो रहा है। बाय बाय। क्या आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हो? अगर हाँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है yamdas@yamdas.com। मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। हाय आई एम यमदास।